नमस्कार, मैं दिव्या धराधर। 30 खबरों में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं देश प्रदेश के अब तक के प्रमुख खबरों। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने घोषणा की है कि पूर्व तेज गेंदबाज अजीत अगरकर को नए चीफ सेलेक्टर के पद पर नियुक्त किया है। क्रिकेट सलाहकार समिति के 3 सदस्यों ने सर्वसम्मति से अजीत अगरकर के नाम पर मुहर लगाई है। BCCI ने सोशल मीडिया के जरिए अगरकर के चयन समिति को चेयरमैन बनने की जानकारी दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 7 और 8 जुलाई को 4 राज्यों में दौरा प्रस्तावित है। पीएम मोदी 7 और 8 जुलाई को छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना और राजस्थान का दौरा करेंगे। 36 घंटों के दरमियान पीएम मोदी करीब दर्जन भर कार्यक्रमों में शामिल होंगे। 4 राज्यों के अपने दौरे के दौरान पीएम मोदी लगभग 50,000 करोड़ रुपये मूल्य के करीब 50 परियोजनाओं की सौगात भी देंगे। गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश को छोड़कर बाकी 3 राज्यों में इसी साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने हैं, इसलिए पीएम मोदी का यह प्रस्तावित दौरा बीजेपी के लिए काफ़ी अहमियत रखता है। अमेरिकी समाचार पत्र न्यूयॉर्क टाइम्स ने भारत के महत्वाकांक्षी स्पेस प्रोग्राम की जमकर प्रशंसा की है। 140 पंजीकृत अंतरिक्ष तकनीकों वाले स्टार्टअप से लैस भारत को अंतरिक्ष कार्यक्रम में चीन को कड़ी टक्कर देने वाला बताया है। अमेरिका के इस प्रमुख अखबार के अनुसार भारत अंतरिक्ष तकनीक की दिशा में इस ग्रह को अंतिम पड़ाव तक ले जाने का दमखम रखता है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के समान नागरिक संहिता को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। उपराष्ट्रपति ने कहा है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करने का समय आ गया है। साथ ही उन्होंने जोर देकर कहा कि UCC के कार्यान्वयन में कोई भी देरी हानिकारक होगी। शंघाई शिखर सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन में चीन की उम्मीदों को भारत ने बड़ा झटका दिया है। भारत ने चीन की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव परियोजना को सिरे से खारिज कर दिया है। भारत SCO का एकमात्र ऐसा सदस्य है जिसने चीन के BRI का सीधे तौर पर विरोध किया और इसका समर्थन करने से इनकार कर दिया। वहीं अन्य सभी देशों ने BRI का साथ दिया है। मुख्य न्यायाधीश जस्टिस DY चंद्रचूड़ और जस्टिस PS नरसिम्हा की पीठ ने आरक्षण प्रणाली को समाप्त करने और इसे वैकल्पिक पद्धति से बदलने की मांग वाली जनहित याचिका को खारिज कर दिया। पीठ ने कहा यह याचिका फालतू की है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर कांगड़ा हवाई अड्डा पर पत्रकारों के साथ अनौपचारिक बातचीत के दौरान कहा कि देश के विकास में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए अब कई राजनीतिक दल NDA का हिस्सा बनना चाहते हैं। इसी कड़ी में देश में काम भी शुरू हो चुका है। NCP ने इसकी शुरुआत की है। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर को जो उसका हक था 75 वर्षों के बाद मिला है। ऑर्गेनिक खाद्य पदार्थों को लेकर कुछ कंपनियों के झूठे दावों की जानकारी में आने के बाद खाद्य नियामक भारतीय खाद्य सुरक्षा मानक प्राधिकरण ने अपनी सभी परीक्षण सुविधाओं और प्रयोगशालाओं को इस मामले में सख्ती से निगरानी बढ़ाने का निर्देश दिया है। सरकार ने इस खाद्य परीक्षण प्रयोगशालाओं को सटीक ऑर्गेनिक खाद्य परीक्षण करने के लिए अपनी प्रक्रियाओं को उन्नत बनाने का निर्देश दिया है। गौरतलब है कि सरकार ऑर्गेनिक भोजन को बढ़ावा देने की योजना पर काम कर रही है और कुछ कंपनियों द्वारा इस संबंध में झूठे दावे किए जा रहे हैं। इस वक्त ऑर्गेनिक चाय, दालें, तेल और गुड़ पाउडर लोगों में सबसे ज़्यादा लोकप्रिय है। इसके बाद इस सूची में दुग्ध उत्पादों का स्थान है। ऑनलाइन शॉपिंग से जितनी लोगों को सुविधा मिल रही है उतना ही नुकसान भी लोग उठा रहे हैं। जानकारी के मुताबिक ऑनलाइन शॉपिंग की फर्जी वेबसाइट भी मार्केट में उपलब्ध है। दिन पर तरह तरह के लुभावने ऑफर लोगों को देखने को मिलते हैं। बस यही ऑफर का लालच लोगों को धोखा दे रहा है। साइबर सेल से मिली जानकारी के मुताबिक पिछले 2 माह से फर्जी शॉपिंग ऐप या साइट से ठगी करने के मामले बढ़े हैं। फर्जी वेबसाइट से जालसाज लोगों की निजी जानकारी चुरा कर लोगों के अकाउंट्स पर डाका डाल रहे हैं। नेपाल से पानी आने के कारण बिहार की प्रमुख नदियों के जलस्तर में वृद्धि हो रही है। कई नदियां खतरे के निशान के करीब से बह रही हैं। मंगलवार को गंडक और कोसी बराजों से बड़ी मात्रा में पानी छोड़ा गया। इससे नदियों का जलस्तर काफी बढ़ गया है और आसपास के इलाकों में बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। दिल्ली एम्स से रेडियोग्राफी की पढ़ाई करने वाला एक छात्र दूसरे की जगह नीट की परीक्षा दिलवाने का गिरोह चला रहा था। RK पुरम थाना पुलिस ने आरोपित छात्र नरेश बिश्नोई को सोमवार सुबह एम्स से गिरफ्तार किया है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अपने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि हम लिव इन रिलेशनशिप के खिलाफ नहीं है, लेकिन अवैध रिलेशनशिप के खिलाफ है। हाई कोर्ट ने शादीशुदा महिला और उसके प्रेमी की ओर से दाखिल याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि सामाजिक ताने बाने की कीमत पर अवैध संबंधों को पुलिस सुरक्षा नहीं दी जा सकती है। कोर्ट ने कहा कि अवैध संबंध रखने वाले को सुरक्षा देने का अर्थ है कि अवैध लिव इन रिलेशनशिप को मान्यता देना। इसी के साथ कोर्ट ने दूसरे पुरुष के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रह रही शादीशुदा पत्नी याचिका की अपने पति से सुरक्षा खतरे की आशंका पर सुरक्षा की मांग में दाखिल याचिका खारिज कर दी है। खालिस्तान समर्थक विदेशी सरजमीं से पंजाब में अलगाववादी ताकतों को फिर से जिंदा करना चाहते हैं। पश्चिमी देशों को अड्डा बनाकर उग्रवादी प्रचार, वित्तीय अनुदान और हिंसक गतिविधियों को तेज कर पंजाब में अस्थिरता फैलाने की कोशिश की जा रही है। खालिस्तान समर्थकों को लेकर भारतीय एजेंसियां पश्चिमी देशों पर पैनी नजर रख रही है।
मिजोरम के मुख्यमंत्री जोरमथांगा ने फिर से मणिपुर में 2 महीने से चली आ रही जातीय हिंसा पर गहरी चिंता व्यक्त करते हुए पूछा, यह कब रुकेगी। सीएम ने यह भी कहा कि हिंसा में कई लोगों की जान चली गई है, हर जगह रक्तपात हो रहा है, शारीरिक यातनाएं दी जा रही हैं और पीड़ित जहां भी संभव हो शरण की तलाश कर रहे हैं। रिपोर्ट के अनुसार सोमवार देर रात मणिपुर के चुराचांदपुर जिले के सोंगपी में कुकी नेशनल ऑर्गेनाइजेशन के नेता और प्रवक्ता सेलेन हाउकीप के घरों को आग के हवाले कर दिया गया। इस घटना के बाद सीएम का यह बयान आया है। सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में 3 रिक्तियों को भरने के लिए केंद्र सरकार से जवाब मांगा है। मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस पीएस नरसिम्हा ने सरकार से संबंध में 3 हफ्ते में जवाब तलब किया। शीर्ष अदालत ने कहा है कि मौजूदा सीटें 11 सितंबर 2021, 4 जनवरी 2023 और 4 अप्रैल 2022 को खाली हो गई थी। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान, जिनकी तहरीक इंसाफ पार्टी पाकिस्तान में करीब करीब खत्म की जा चुकी है, उन्होंने खुद को महात्मा गांधी और नेल्सन मंडेला जैसा नेता बताया है। ब्रिटिश अखबार द इंडिपेंडेंट से बात करते हुए इमरान खान ने खुद की तुलना भारत और दक्षिण अफ्रीका के महान स्वतंत्रता सेनानियों महात्मा गांधी और नेल्सन मंडेला से की है। आपकी प्राइवेसी की सुरक्षा बहुत जल्द देश का कानून बन जाएगी और अगर किसी ने इसके साथ खिलवाड़ किया तो उसे भारी जुर्माना देना पड़ सकता है। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली कैबिनेट मीटिंग में बुधवार को डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल को मंजूरी दे दी गई है। अब सरकार इसे अगले हफ्ते शुरू हो रहे मानसून सत्र में पेश कर सकती है। सरकारी क्षेत्र के बैंक ऑफ इंडिया की ओर से महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट 2023 को बैंक की सभी ब्रांच पर लॉन्च कर दिया गया है। बैंक ऑफ इंडिया पहला सरकारी बैंक है जिसने अपनी सभी ब्रांच पर इस स्कीम को शुरू किया है। बैंक की ओर से महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट तब शुरू किया गया जब हाल ही में वित्त मंत्रालय की ओर से एक नोटिस जारी किया गया था जिसमें बताया गया है कि ICICI, एक्सिस, HDFC और IDBI बैंक में ये निवेश का विकल्प जल्दी ही उपलब्ध हो जाएगा। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने उदयपुर के प्रतापगढ़ में पेट्रोल के दाम को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि पेट्रोल अब 15 रुपये लीटर हो सकता है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि किसान अब अन्नदाता नहीं ऊर्जादाता बनेगा, ये हमारी सरकार की सोच है। मैं अगस्त में टोयोटो कंपनी की गाड़ियां लॉन्च करने जा रहा हूँ। अब सभी गाड़ियां किसानों के तैयार के इथेनॉल पर चलेंगी। गडकरी ने कहा कि 60% इथेनॉल और 40% बिजली दोनों का एवरेज पकड़ा जाएगा तो 15 रुपये लीटर पेट्रोल का भाव होगा। ब्रिटिश कोलंबिया प्रांत की पुलिस ने जानकारी देते हुए बताया है कि बीते रविवार को एक 25 वर्षीय भारतीय कनाडाई व्यक्ति को घातक रूप से गोली मार दी गई थी। मरने वाले की पहचान कर्णवीर सिंह गारचा के रूप में की गई है जो एक गैंगस्टर था। होमिसाइड इन्वेस्टिगेशन टीम ने बताया कि मरने वाले व्यक्ति गैंगस्टर गिरोह की गतिविधियों में शामिल था। इसमें समान नागरिक संहिता को लेकर पहली बार भाजपा सांसद और मंत्री का बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड से पूर्वोत्तर राज्यों के आदिवासी लोग, उनके रीति रिवाज और अधिकार प्रभावित नहीं होंगे। जानकारी के मुताबिक केंद्र सरकार में पूर्व कानून राज्य मंत्री और वर्तमान में स्वास्थ्य राज्य मंत्री SP सिंह बघेल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ये बातें कही हैं। उन्होंने कहा है कि भाजपा आदिवासी समुदायों की विविधता और संस्कृति का सम्मान करती है। कहा है कि भाजपा ऐसा कोई कानून लागू नहीं करेगी जो उनके हितों के खिलाफ हो। देश भर में चल रहे मानसून के कारण अलग अलग राज्यों में बारिश हो रही है। गिरते तापमान से जहां सभी जीव जंतु राहत की सांस लेने लगे, हालांकि बारिश सभी के लिए एक जैसी नहीं होती। पूर्वोत्तर भारत के कई क्षेत्र भारी बारिश के कारण खतरनाक बाढ़ से जूझ रहे हैं। बाढ़ के कारण जान माल के नुकसान का दावा करने वाली कई रिपोर्ट सामने आ रही है। इस बीच जानवरों की तकलीफ भी इंसानों से कम नहीं है, यहाँ तक कि कई जानवर भी बाढ़ के कारण या तो मर गए हैं या फंस गए हैं। दुनिया के सबसे बड़ी ई लर्निंग कोर्स कराने वाली बायजूज फिलहाल बड़ी मुश्किलों से गुजर रहा है। कंपनी के सामने न सिर्फ आर्थिक संकट की स्थिति उत्पन्न हो गई है बल्कि उनकी कंपनी के निदेशक भी साथ छोड़कर जा चुके हैं। बायजू को लेकर एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। शाहरुख खान ने भी बायजू से अपने रिश्ते खत्म करने का फैसला कर लिया। बताया जा रहा है कि बायजूज के साथ शाहरुख खान का कॉन्ट्रैक्ट अगले 1-2 महीने में खत्म हो जाएगा। इसके बाद इसे बढ़ाने के इच्छुक नजर नहीं आ रहे। पश्चिम बंगाल में तृणमूल सरकार और राज्यपाल सीवी आनंद बोस के बीच पंचायत चुनाव की घोषणा के साथ ही जुबानी जंग शुरू हो गया है। गौरतलब है कि राज्यपाल सीवी आनंद बोस का हिंसा वाले इलाकों का दौरा कर रहे हैं जिससे ऐसा माना जा रहा है कि तृणमूल को परेशानी होती नजर आ रही है। ऐसे में राज्यपाल के ग्राउंड जीरो मोड पर कार्य करने पर तृणमूल सरकार ने कटाक्ष करते हुए राज्य चुनाव आयोग को 3 पन्नों का एक पत्र लिखा जिसमें राज्यपाल सीवी आनंद बोस के उन क्षेत्रों के दौरे के खिलाफ शिकायत की गई जहां 8 जुलाई के मतदान से पहले हिंसा की सूचना मिली थी। इसमें उन्होंने सीधा राज्यपाल की भूमिका पर सवाल खड़े किए हैं। अमेरिका में जब खालिस्तानी समूह की पहचान प्रदर्शनकारियों के तौर पर नहीं की जाएगी और भारतीय मिशन पर हुए हालिया हमलों जिसमें खालिस्तानी समर्थकों का सैन फ्रांसिस्को में भारतीय वाणिज्य दूतावास में आग लगाने का ताजा मामला भी शामिल है, उन्हें अब अपराध की श्रेणी में रखा जाएगा। इतना ही नहीं, सैन फ्रांसिस्को में भारतीय दूतावास पर हुए हमले को लेकर अमेरिका एक्शन भी लेगा।
टमाटर से लेकर तमाम सब्जियों के दाम आसमान छू रहे हैं, जिससे आम आदमी की रसोई का पूरा बजट गड़बड़ा गया है। इसे लेकर अब विपक्ष भी सरकार को घेर रहा है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने मोदी सरकार को महंगाई के मुद्दे पर एक बार फिर घेरा है। खड़गे ने कहा कि महंगाई और बेरोजगारी लगातार बढ़ रही है और बीजेपी सत्ता के लालच में पड़ी है। जनता बीजेपी के खोखले नारों का जवाब उसके खिलाफ वोट करके देगी। खड़गे ने महंगाई दर और मनरेगा का भी ट्विटर पर जिक्र किया है। देश की अर्थव्यवस्था में बड़ा योगदान देने वाले सेवा क्षेत्र के लिए जून महीना थोड़ी नरमी वाला रहा है। पिछले महीने के दौरान भारत का सेवा क्षेत्र वृद्धि की राह पर तो बरकरार रहा, लेकिन उसके आगे बढ़ने की रफ्तार 3 महीने में सबसे कम रही। ताजा आंकड़े बताते हैं कि इसके साथ ही जून महीने के दौरान आउटपुट चार्जेस में करीब 6 साल की सबसे बड़ी तेजी देखी गई है। इसके सबसे बड़े पब्लिक सेक्टर के बैंक स्टेट ऑफ इंडिया ने अपने ग्राहकों के लिए एक मैसेज जारी किया। ये मैसेज खासकर उन ग्राहकों के लिए है जिनका बैंक में लॉकर है। बैंक ने अपने लॉकर होल्डर्स को कहा है कि वह बैंक के ब्रांच पहुंचे और नए लॉकर एग्रीमेंट को जल्द से जल्द साइन कर दें। बैंक ने रिवाइज लॉकर एग्रीमेंट के बारे में ट्वीट करके यह जानकारी दी है कि हम अपने सभी ग्राहकों से यह आग्रह करते हैं कि नए लॉकर एग्रीमेंट को साइन करने के लिए जल्द से जल्द ब्रांच जाए। साइन करने से पहले ग्राहक नए एग्रीमेंट नोटिस को जरूर पढ़ लें। सरकारी आंकड़ों में भले ही महंगाई दर में कमी आई हो, लेकिन आम उपभोक्ताओं से पूछिए तो पता लगेगा कि किस कदर महंगाई उनकी जेब और बचत पर डाका डाल रहा है। ऐसे में कमर तोड़ महंगाई से सामना करने वाले के लिए भारतीय परिवार जरूरी वस्तुओं के बड़े पैकेट की जगह छोटे पैकेट और पाउच खरीदने लगे हैं। बाजार में लोगों के खर्च करने के तौर तरीकों और आदतों में बदलाव देखा जा रहा है। कलकत्ता यूनिवर्सिटी के लॉरेटो कॉलेज के अंग्रेजी मीडियम में पढ़ाई नहीं करने पर एडमिशन नहीं देने वाले फैसले से हड़कंप मच गया, जिसके बाद कॉलेज ने माफ़ी मांगी। कॉलेज के इस फैसले के बाद राज्य के कई वर्ग के लोगों पर ने सोशल मीडिया पर नाराजगी जाहिर की और प्रदर्शन शुरू किए। इस वजह से कॉलेज को अपने इस फैसले को वापस लेना पड़ा। हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिख कर दिया था। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया उनके नाम है मृत्युंजय कुमार, मोहम्मद साकिर हुसैन, रवि शंकर, जितेंद्र ठाकुर। अब बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, बढ़ती महंगाई का आपके जीवन पर क्या असर पड़ रहा है? अपना जवाब हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।